चलोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा बेटा हम लोग ना टू स्टार्ट विद पहले थोड़ा मैच करेंगे आज ठीक है बट पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट करूंगा बट उसके पहले बिफोर आई स्टार्टअप कल मुझे किसी प्यारे बच्चे का फोन आया बोलता है सर ये पर्टिकुलर चीज में कोई डाउट है तो भाई एक चीज तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इतना बच्चा अपना टॉपिक पे फोकस कर रहा है और घर जाके उसको रिवाइज कर रहा है तो भाई दैट वाज वेरी वेरी नाइस कि भाई कोई बच्चा जो है ऐसे करके सर उसको मैंने बोला मैंने कहा भैया तेरे को मैं मैथ्स है लिख के समझा दूंगा तो पहले मुझे बताइए कल के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट है जो हमने शॉर्टकट सीखे थे रिवाइज करने के बाद इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने भाई कल ये वाले शॉर्टकट सीखे थे जंतर के जादू ठीक है तो किसी को डाउट है बेटा जो बच्चा अलग से भाई फोन करके पूछ रहा था अभी पूछ लो हाँ जी बोलो बच्चा लॉगरिथम में बच्चा क्या डाउट है पहले आप कल के डाउट्स क्लियर करो फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं पहली बात एक चीज क्लेरिफाई करो जो लॉग टू होता है वो टू एक नंबर है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं अगर मैं अकेला टू का करेक्टरिस्टिक लूंगा तो वो तो जीरो ही आएगा बिकॉज डिजिट एक है ठीक है और जब मैं टू का लॉग निकालूंगा तो वो क्या आता है पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन जीरो करेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्यों बताया था कि सिर्फ आपको एक मेथड बता दिया कि भाई इससे आपका आंसर चेक हो जाता है सपोज आपको याद होगा मैंने टू थ्री टू पॉइंट सिक्स फाइव का लॉग निकाला था ठीक है बच्चा तो मैंने टू थ्री टू पॉइंट सिक्स फाइव का जब लॉग निकाला तो आपको पता है इसका करेक्टरिस्टिक टू आएगा बट इस पूरे नंबर का लॉग मेरे पास आता है टू पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स सेवन पॉइंट इज हम लोग करेक्टरिस्टिक तो निकाल सकते हैं बट जो मिंटीसा होता है डेसिमल वाला उसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है अब जब आप कैलकुलेटर से लॉग निकालते हो तो आपको पता लग जाता है बेटा आपका आंसर आ रहा है टू पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स सेवन जैसे यहां टू आता है तो आप थोड़ा शांति में और संतुष्टि में आ जाते हो कि मैं आंसर ठीक कर रहा हूं क्यों क्योंकि आपको पता है यहां पर बेटा इसका आंसर मेरा पहले वाला टू ही आने। अब जो लॉग टू है वो टू एक नंबर लिया था मैंने फॉर एग्जाम्पल अब मैं थ्री का लॉग निकाल रहा हूं तो थ्री एक नंबर है अब इसका आंसर कुछ भी कर लो जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा क्यों? बिकॉज थ्री अकेला डिजिट है अकेले डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक एक कम एक कम का मतलब बेटा क्या आएगा आंसर जीरो आत्मा शांत हो गई आपका ही कॉल आया था वेरी गुड हां जी बेटा और किसी को कल वाले टॉपिक में कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो वरना मैं ये दो जो बेसिक क्लास है मैं मान के चलूंगा भैया बेसिक क्लास अपनी क्लियर हो गई है हां जी लॉग क्यों निकालते हैं बेटा लॉग पूछा जाता है इसलिए निकालते हैं चलो ये तो नहीं मजाक नहीं सीरियसली आपको बता बेटा होता क्या है कि लॉग ना बच्चा एक टेबल वैल्यू होती है जो हम लोगों को क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी एक्सटेंसिव वैल्यूज होती हैं जिसके लिए हमें टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके अलागर इथ हम निकालते ठीक है थीके? ये तो चोर हो गया लॉजिक बट हमारा सिस्टम क्या है हमें पूछा जाएगा तुमने निकालना है हमें सब में यूज होता है हमें फॉर्मुले में यूज होता है मैं आपको जैसे अब अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं टेंडेंसी इसमें भी लॉग का इस्तेमाल होगा ठीक है बच्चा हाँ जी और हां जी बोलो भाई बेटा वो करना ही नहीं अपने को जब परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर अपने को करना क्यों है डिवाइडेड बाइले एन वाले स्टेप में वैसे अपने को टू निकालना बट मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्त आप लोग को एक चीज बता दो ज्यादा दुखी मत होइए सिंपल रखिए बेटा दिमाग को मुझे एक बात बताओ अगर मैं कहता हूं मुझे ट्वेंटी का स्क्वायर रूट ही निकालना है तो मेरे को तो ऐसे ही निकालना है वो मैंने बताया था छींची रूट के लिए किसके लिए छींची रूट मतलब जैसे मान लो क्यूब जो कैलकुलेटर से पॉसिबल नहीं है जो कैलकुलेटर से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है बेटा उसके लिए मैंने वो मेथड आपको बताया था राइट अब जब मेरे को स्क्वेयर रूटी निकालना है तो मुझे क्यों इतना लंबा चौड़ा मेथड फॉलो करना है भाई राइट right? एक बात दोस्त दिमाग में रखो ये सारी बातें यहां सुनने और करने में बड़ी मजेदार है और पेपर में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बेटा बी प्रैक्टिकल मेरी बात समझ में आ रही है वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल हमारे पास ना सुनने ना करने का इतना टाइम ही नहीं है पेपर में हां जी और बताइए दोस्तों और किसी को डाउट बेटा मैं मान के चलू कल का जो लेक्चर था जंतर के जादू एवरीबडीज क्लियर नाउ गुड वेरी गुड लो भाई फिर हम आते हैं अगर आप याद करोगे दोस्त मैंने ना आप लोगों को जब प्रेजेंटेशन दी थी मैथमेटिक्स की इफ यू रिमेंबर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई होप जितने बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है उन्होंने ये लेक्चर देख लिया होगा अब तक तो भाई साहब जब मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी ये मैथमेटिक्स की तो मैंने दोस्तों आप लोगों को ना एक बात बता दी थी मैंने कहा था भाई हमारा 40 नंबर का मैथ्स है हमारा 20 नंबर का रीजनिंग है और 40 नंबर का स्टैट्स है और स्टैट्स में मैंने एक चैप्टर के आगे दिल बनाया था आपको याद होगा ये राइट इसकी अकेले की वेटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप कह लो अगर चालीस नंबर है ना तो आपको बता दूं भैया दस से बारह नंबर तो अकेला इस चैप्टर का है आप समझ रहे हो फोर्टी मार्क्स की स्टार्ट्स में से शायद मैं बारह भी कम बोल रहा हूं कई बार उनका मूड अच्छा ज्यादा अच्छा करे तो पंद्रह भी चला जाता है तो भाई साहब सारे बच्चे दिमाग में रखना कि अपने को अल्टीमेटली इस चीज पे बड़ा ज्यादा फोकस करना है अब नॉर्मली क्या होता है बेटा जो टीचर तुम लोग को नॉर्मली कराता ना तुम्हें गोली देता है वो क्या करेगा तुम्हें पहले वो क्या करेगा इजी पार्ट से शुरू करेगा ले भैया इजी वाला पार्ट शुरू करते हैं। भाई मेरा ऐसा सीन नहीं है मैं मानता हूं कि अगर हम लोग डिफिकल्ट पार्ट डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते अच्छा दिमाग वाला पार्ट पहले शुरू करें और उसके बाद हम इजी इजी पे आए तो ज्यादा मजा है मुझे एक बात बताओ लाइफ में सीढ़ी उतरने का मजा है कि सीढ़ी चढ़ने का मजा है उतरना आसान लगता ना बेटा तो मतलब पहले जो ऊंचा वाला स्टेप है कवर कर लिया फिर हम नीचे 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 आते जाएंगे बच्चों पॉइंट समझ में आ गया तो मैं ये हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर भैया पहले करा रहा हूं ओके दोस्तों तो हम लोग भाई अब क्या करने जा रहे हैं हम भाई साहब हेडिंग लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन ये हमारा ऑफिशियली पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दिस इज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ठीक है सर पहले हम लोग सिर्फ बेसिक फंडास कर रहे थे ये हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया भाई सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन तुम लोगों ने हो सकता भैया ये टॉपिक थोड़ा प्लस वन में करा हो मैं मान के चलूंगा नहीं करा हुआ राइट चलिए हम एक काम करते हैं सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखना इस चैप्टर को नॉर्मली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी और एक होता है डिस्पर्जन ये सारे बच्चे याद रखिएगा भाई एक टॉपिक है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी और एक टॉपिक होता है डिस्पर्जन तो प्लीज फोकस करें हमारे पास भाई एक टॉपिक होता है सेंट्रल टेंडेंसी और एक टॉपिक होता है डिस्पर्जन जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं वन मीन अदर कॉल्ड एज मीडियन नेक्स्ट कॉल्ड एज मोड बेटा हमारे पास क्या हो गया टॉपिक एक हो गया मीन एक हो गया मीडियन एक हो गया मोड तो बेटा हम लोग इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं अच्छा एक चीज आपको और बता देता हूं नॉर्मली तुम लोगों ने बचपन में करा होगा तो ये दो चैप्टर करे होंगे बट हम लोग को बता देता हूं भाई इस लेवल पर आकर लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू ये चैप्टर एक ही है ठीक है सो वी कॉल इट एज मीन वी कॉल इट एज मीडियन वी कॉल इट एज मोड और मीन के दोस्त इसके आगे लिखते जाना बेटा मीन के आगे तीन पार्ट होते हैं मीन को आगे लाइन लगाकर आपने लिखना है भाई साहब कि मीन के आगे तीन पार्ट होते हैं एक होता है ए एम ए एम को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन एक होता है एच एम एच एम को बोलते हैं हार्मोनिक मीन और एक होता है जीएम अब शायद बचपन में कुछ बच्चों ने अरिथमेटिक मीन के बारे में सुना होगा बट भाई साहब हार्मोनिक मीन इन टेंडेंसी ये एक नया टॉपिक है और ज्योमेट्रिक मीन इन टेंडेंसी ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है तो सारे बच्चे इस बात को दिमाग में रखना हार्मोनिक मीन इज एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक और ज्योमेट्रिक मीन इज एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक बच्चों इज दिस क्लियर ठीक है जी ओके okay. तो अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या है टेंडेंसी टेंडेंसी के बच्चा हमारे तीन पार्ट मीन मीडियन मोड मीन को हम डिवाइड करेंगे थ्री हिस्सों में याद रखना दैट इज कॉल्ड एस अरेथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन देन वी हैव डिस्पर्जन डिस्पर्जन बच्चा आपके पास एक आता है रेंज एक आता है मीन डेविएशन एक आता है क्वार्टाइल डेविएशन और एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे इसके बारे में हमने बाद में बात करनी बट आप लिख लो कि जो सेकेंड पार्ट है भाई उसके चार हिस्से होते एक होता है रेंज, एक होता है मीन डेविएशन द अदर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉटल डिविएशन एंड द नेक्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन तो सारे बच्चे भाई इस पार्ट को दिमाग में रख लेना कि हमारे पास ये होता है रेंज मीन डेविएशन क्वार्टल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ जी भाई ये नोटेड है चलिए सुनिए हम एक काम करते हैं सबसे पहले कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहां पर तीन तरह के क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों हमारी जो सीरीज होती है ना वो तीन प्रकार की होती है ऑलवेज रिमेंबर सीरीज तीन प्रकार की एक इंडिविजुअल सीरीज एक डिस्क्रीट सीरीज एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज अब एक बात याद रखना जो सिंगल डेटा वाली सीरीज होती है सिंगल डेटा अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं सिंगल डेटा की बात करूं लेट्स से भाई एक्स दिया हुआ है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी भाई साहब ये जो सीरीज होती है इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल डेटा सीरीज होती है इस सीरीज को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज क्यों बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल डेटा सीरीज होती है इसमें सिर्फ एक ही डेटा होता है ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है एक्स जैसे लिखा है पांच दस पंद्रह बीस साथ में आ गया फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो लिखा हुआ है टू थ्री फाइव सिक्स तो बच्चा ऐसे करके जब आपको दो दो इंफॉर्मेशन लिखी होती है एक एक्स भी दिया होता है और एक फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई डिस्क्रीट सीरीज तो सारे बच्चे याद रखना जब मेरे पास दो डेटा होता है कौन कौन सा एक एक्स दिया होगा और एक फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई डिस्क्रीट सीरीज फिर मेरे पास एक कहानी आती कॉन्टिन्यूस सीरीज अब कॉन्टिन्यूस सीरीज क्यों होती है बेटा सीरीज विद क्लास इंटरवल्स तो याद रखना दोस्तों जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं सपोज कर लो दोस्त अपने पास ना वो क्लास इंटरवल जो है वो मेंशन होगा कैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूं फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए भाई आपके पास क्लास इंटरवल्स कैसे लिखे जाते सपोज कर लो दोस्त आपको लिखा होगा जीरो से लेके टेन टेन से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर थर्टी थर्टी से लेकर फोर्टी ऐसे करके दिया होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई क्लास इंटरवल्स और आपको ना दो साथ में दी होगी फ्रीक्वेंसी राइट right. अब फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है सपोज लिखा होगा फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे करके जो इंफॉर्मेशन होती है ना दोस्त इसको हम लोग क्या बोलते कॉन्टिन्यूस सीरीज तो ऑलवेज रिमेंबर दिस भाई साहब एक बात दिमाग में रखना जब भी ऐसे क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसी साथ में लिखी होती है हम ऐसी सीरीज को नाम देते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज राइट right. हम ऐसी सीरीज को नाम देते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस ठीक है जी तो ये सारे बच्चे अपने दिमाग में सीज को रख लो चलो ठीक है तो भाई तीन प्रकार की सीरीज हो गई एक इंडिविजुअल एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूस ठीक है तो अब हम लोगों ने जब अरथमेटिक मीन समझना है सारे बच्चे बड़ा समझना मैं अब आगे से क्या करूंगा मैं इंडिविजुअल को आई लिख दूंगा आपको बताया था बड़ा मैथ्स में जो मर्जी शॉर्ट फॉर्म यूज करी जाओ कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं डी लिख दूंगा और इसको मैं सी लिख दूंगा आए इंडिविजुअल डी डिस्क्रीड और सी क्या आ गया दोस्त कॉन्टिन्यूस ये सारे बच्चे याद रखिएगा अब दोस्तों हमारे पास बात आती है अर्थमेटिक मीन की अब जरा एक एक करके ना बात को ध्यान से समझना अर्थमेटिक मीन को सबसे पहले याद रखना हम एक्स बार से डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन को दोस्तों याद रखना हम लोग हमेशा किससे डिनोट करते हैं भाई एक्स बार से एक्स बार या जो अर्थमेटिक मीन होता है आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं इसके ना जब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एक टेबल बना दूंगा टेबल मेरे पास क्या हो गया भाई जैसे आपके पास आ गया आई आई इंडिविजुअल पहला टेबल दूसरा आ गया डी डी क्या आ गया डिस्क्रीट तीसरा आ गया कॉन्टिन्यूस अब दोस्तों जो अर्थमेटिक मीन होता है इसको हम लोग निकालते हैं कुछ फॉर्मूले इसके साथ ये फॉर्मुले हमारे लिए बड़े जरूरी होंगे देखो जैसा सब सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड सारे बच्चे जरा फोकस करना सबसे पहले कौन सा होता है डायरेक्ट मेथड बच्चों डायरेक्ट मेथड का सीन क्या है जरा समझते जाना प्लीज सबसे पहले भाई उसमें एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला गोज लाइक दिस सिग्मा एक्स बाय एन अब बच्चा बोलेगा सर ये सिग्मा एक्स क्या है भाई सिग्मा एक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स बच्चे याद रखना भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेश्स और एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है जब यही फॉर्मूला जाता है डिस्क्रीट सीरीज में भाई साहब एक्स बार जिसको एक्स बार बोलते हैं बेटा एक्स के ऊपर डंडा लगा उसको बार बोलते हैं ठीक है तो भाई साहब इसका फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफेक्स बाय एन अब एक बात याद रखनी है डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब चेंज हो जाता है यहां पर एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल भाई साहब यहां पर याद रखेंगे एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड दोस्तों अपने पास यहां पर आता है सिग्मा fx। सिग्मा fx मतलब फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसको बोलते हैं fx। So भाई साहब याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी को हम क्या है? करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ एक्स के साथ अच्छा जब हम लोग इसी फॉर्मूला को लेकर आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो हमारे पास भाई साहब फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम बाय एन बड़ा फॉर्मूला क्या चलता है सिग्मा एफ एम बाय एन अब एन का मतलब यहां पर सेम है फ्रीक्वेंसी का टोटल N का मतलब भैया सेम है कितना फ्रीक्वेंसी का टोटल एम का मतलब क्या होता है मिड वैल्यू व्हाट इज मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू भाई साहब याद रखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या चलेगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू ओके मैं एक काम करता हूं मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं ऑन द एग्जाम्शन की तुम लोग को कुछ नहीं आता ठीक है पहले इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं तो पहले बेटा हम एक काम करते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं पहले मुझे बताइए भैया डायरेक्ट मेथड आप लोगों को समझ में आ गया सारे बच्चों ने नोट कर लिए ठीक है किसी का नोट करने वाला तो नहीं रह गया चलिए हम एक काम करते हैं पहले कुछ बेबी क्वेश्चंस करते हैं तो भाई हमारी क्या है हमारी हेडिंग आएगी पहले बेबी क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट मेथड चलो दोस्त अब आप लोगों ने क्या करना है भाई अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लेना है दोस्त ठीक है अपने को चाहिए होगा भाई अपना कैलकुलेटर चलिए लेट्स बिगिन बेबी क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट मेथड चलो दोस्त छोटा सा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मुझे x दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 फाइव इट और मुझे क्या बोलता है भाई एक काम कर x बार निकाल अब सारे बच्चों को पता है भाई जब इसका सोल्यूशन जब आप करते हो तो x बार बड़ा सिंपल है x बार क्या होता है सिग्मा x बाय अच्छा पहले एक बात बताओ भैया ये मेथड कौन सा है ये आ गया इंडिविजुअल सीरीज एवरीबडी इज क्लियर ठीक है जी तो हम लोग करेंगे भैया सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो गया पांच प्लस दस प्लस पंद्रह प्लस बीस प्लस पच्चीस डिवाइडेड बाय एन एन कितना है भाई एक दो तीन चार पांच पांच से डिवाइड कर लीजिए ठीक है तो सारे बच्चे चेक कर लो भाई साहब तुम्हारे पास मीन कितना आ गया फिफ्टीन आई होप एवरीबडी इज क्लियर बेबी क्वेश्चन सबसे पहला कुछ नहीं करा भाई सिग्मा एक्स ओवर एन एन क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स हां जी चलते जाएं चलो दोस्त अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज दोस्त तुम्हें एक्स गिवन है तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है एक्स सपोज कर लो लिखा है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फ्रीक्वेंसी टू थ्री फाइव सिक्स एंड फोर लो भाई अब दोस्त जब तुम इसका टोटल करते हो ना तो तुम्हें पता लगता है भैया एन कितना है एन आता है फ्रीक्वेंसी का टोटल मैंने आपको एन क्या लिखवाया था फ्रीक्वेंसी का टोटल तो दो तीन पांच 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 दस दस और दस बीस ठीक है सारे बच्चे याद रखेंगे अब मेरे भाई आपके पास यहां पर चाहिए एफ एक्स ना वट इज एफ एक्स एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 और 2 आ गया 20, 20 और 30 आ गया 60, 30 50 आ गया 150, 40 चालीस साठ आ गया दो सो चालीस और 50 40 आ गया 200. बेटा आप लोगों को समझ में आ गया एफ एक्स क्या होता है सो एफ एक्स उसको करा मल्टीप्लाई अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा एफ एक्स का टोटल कितना है हां जी सिक्स सेवेंटी छह सौ सत्तर भाई साहब मेरे पास आ गया एफ एक्स का टोटल क्लियर हो गया अब सारे बच्चे भाई जब आप सिग्मा एफ एक्स ओवर एन करके फॉर्मूला यूज करते हो तो सिग्मा एफ एक्स आ गया सिक्स सेवेंटी ओवर ट्वेंटी हां जी भाई कितना थर्टी थ्री ओके ये लो भाई ये तुम्हारा आंसर आ गया थर्टी थ्री पॉइंट फाइव अब आप सारे बच्चे प्यार से चेक करते जाओ भाई किसी को कोई दुख है कोई दर्द है तो अभी बया कर दो ठीक है चलिए मेरे भाई कोई नोट तो नहीं कर रहा बेटा इसको बेटा मैं थोड़ा एक बेबी क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा बच्चा पहले कॉन्फिडेंस में आता है हाँ भैया ये पहले सिंपल वाले फॉर्मुलास क्लियर हो जाएं अच्छा क्लास इंटरवल्स अब क्लास इंटरवल सपोज कर लो भाई तुम्हें है दस से बीस बीस से तीस तीस से आ गया चालीस चालीस से आ गया पचास पचास से आ गया साठ मान लो फ्रीक्वेंसी दे दिया भाई दो तीन पांच छ चार चलो दोस्त एन आ गया ट्वेंटी अब मैंने क्या करना है भाई अगर एन ट्वेंटी आ गया है तो सबसे पहले मुझे यहां पर निकालना है एम एम होता है मिड वैल्यू अब बच्चा जानना चाहेगा सर मिड वैल्यू क्या होती है अरे मिड वैल्यू का बहुत सिंपल सा सीन है भाई ये देखो दस और बीस का मैंने करा टोटल रफ में ये देखना भाई मैंने करना है दस प्लस बीस डिवाइडेड बाय टू ट इज पंद्रह सारे बच्चों को क्लियर है दस प्लस बीस डिवाइडेड बाय टू ऐसे ही बीस प्लस तीस डिवाइडेड बाय टू तीस प्लस चालीस डिवाइडेड बाय टू चालीस प्लस पचास डिवाइडेड बाय टू पचास प्लस साठ डिवाइडेड बाय टू अब साहब हम लोग को निकालना है एफएम अब अगर बच्चे जानते हैं भाई साहब एफ क्या होता है एफ एम इज भाई सिंपल सा फंडा एफ का एफ एम इज एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए so दोस्तों जब एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या आता है देखो भैया दो पंद्रह आ गया तीस तीन पच्चीस आ गया सेवनटी फाइव पांच पैंतीस करना भैया कितना आया वन सेवनटी फाइव पैंतालीस करना टू सेवेंटी और ये एक प्राणी बेटा इसका टोटल बता दे सेवन सेवेंटी ये लो दोस्त सो भाई साहब ये मेरे पास आ गया इसका टोटल सिंपल सा फंडा अगर मैं इसको चेक करता हूं मुझे मीन निकालना है मीन का फंडा क्या है बेटा सिग्मा एफ एम ओवर एन सिग्मा एफ एम इज सेवन सेवेंटी ओवर ट्वेंटी थर्टी एट पॉइंट ये लीजिए दोस्त ये आपका आंसर आ जाता है जी प्यारे बच्चों क्या ये कहानी क्लियर है ठीक है जी शानदार बहुत बढ़िया भाई चलिए अब दोस्तों हम आते हैं ये डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया अब हम आते हैं मेथड नंबर टू बेटा इसका नाम है शॉर्टकट मेथड क्या नाम है भाई साहब शॉर्टकट मेथड अब देखो सर आप मुझे सवाल करोगे सर आंसर तो सबसे सेम आएगा तो हम क्या इतने सारे मेथड करें हां जी मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा बेटा कुछ क्वेश्चंस में तुम फंस जाते हो तुम्हें मेथड के बारे में पता होना चाहिए कई बार वो सियाना बंदा वो पता है क्या करता है फॉर्मूला पूछ लेते ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया और फॉर्मूला पूछ लिया तो भाई और बहनों में मेथड का पता होना चाहिए तो सारे बच्चे भाई शॉर्टकट लिखेंगे बेटा अच्छा एक चीज और अब मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगा पहला वाला हमेशा इंडिविजुअल सीरीज होगा दूसरा वाला क्या होगा डिस्क्रीट और अगला वाला क्या होगा कॉन्टिन्यूस तो भाई फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा बाय एन फॉर्मूला क्या जाएगा बेटा ए प्लस सिग्मा dx बाई एन अब तुम्हारे मन में एक बड़ा अच्छा सवाल उठेगा सर डी एक्स का मतलब क्या है dx का मतलब है भाई साहब ए a. और ए a क्या होता है प्यारे बच्चों ए होता है एज्यूम्ड मीन ए होता है भाई साहब एज्यूम्ड मीन तो सारे बच्चे याद रखिएगा यहां पर एज्यूम मीन का एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो तुम्हें बताता हूं अब अगर तुम देखोगे भाई तो डिस्क्रीट सीरीज में कुछ नहीं करना खाली आप देखोगे यहां पर dx था उसके बदले यहां पर आ जाएगा fdx बस नफ fdx जब मैं fdx की बात करता हूं भाई तो जरा गौर करिएगा f को dx के साथ मल्टीप्लाई करना है भैया फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बन जाता है fdx अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा सर n क्या है n दोस फ्रीक्वेंसी का है टोटल एन क्या है भाई साहब एन है फ्रीक्वेंसी का टोटल उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं भैया एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफडीएम बाय एन डीएम क्या होता है भाई साहब मिड वैल्यू में से ए माइनस करते हैं और एम मतलब मिड वैल्यू और एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल तो सारी कहानी जो है ना वो आपकी है मिला के सेम हाँ जी कोई प्यारा बच्चा बेटा फॉर्मूला नोट कर रहा है तो बता दो वरना मैं आगे चलू जी बच्चों फॉर्मूला नोटेड चलो ठीक है भाई बहुत ही शानदार भैया सबने फॉर्मूला नोट कर लिया तो आइए हम एक काम करते हैं हम हेडिंग लिखेंगे बेबी क्वेश्चंस ऑन शॉर्टकट मेथड बेटा पहले हम क्या कर रहे हैं हम ना थोड़ा शॉर्टकट मेथड पे कुछ बेबी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चिंता मत करो मित्रों अभी पापा क्वेश्चन भी आएंगे अभी तो हम बेबी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो भाई साहब सबसे पहले हम एक काम करते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस मान लो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है हमने क्या करना है भाई बड़ी सिंपल सी बात है हमने सपोज कर लो एक बीच की किसी भी वैल्यू को ए ले लिया एज्यूम मीन कैन बी टेकन एज एनी वैल्यू इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पंद्रह ही लेना है याद रखना एज्यूम मीन का मतलब होता है यू कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज अब सारे प्यारे बच्चे इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो एज्यूम मीन तुम पांच भी ले सकते हो दस भी ले सकते हो बट रिकमेंडेड क्या होता है कि बीच की वैल्यू लो ठीक है सेंटर की वैल्यू ले लो अब इस केस में मेरे भाई डीएक्स पहले निकाल लो डीएक्स क्या है पांच में से पंद्रह माइनस करा क्योंकि डीएक्स होता है बच्चा एक्स माइनस ए तो पांच में से पंद्रह माइनस करा आंसर आ गया माइनस टेन दस में से पंद्रह माइनस करा आंसर आ गया माइनस पांच पंद्रह में से पंद्रह करा आंसर आ गया जीरो बीस में से पंद्रह करा आंसर आ गया पांच पच्चीस में से पंद्रह करा आंसर आ गया दस अब मजे की बात है भैया ये टोटल आप जब करोगे सिग्मा डीएक्स का तो ये आ रहा है जीरो फिगर्स ऐसी इसलिए जीरो आ रहा है तो टेंशन मत लेना लो भैया सम की फिगर ऐसी इसलिए जीरो आ रहा है अब जब सारे बच्चे चेक करोगे मीन का फॉर्मूला होता था ए प्लस सिग्मा डीएक्स बाय ए मतलब होता है एज यू मीन सिग्मा डीएक्स होता है जीरो एन का मतलब पांच आइटम्स है अब चेक कर लो भाई तो हमारा आंसर पंद्रह आ गया अब अगर तुम देखोगे तो मैंने ये सेम फिगर्स वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में लिया था और मैं तुम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया आंसर विद डायरेक्ट मेथड एंड आंसर विद शॉर्टकट मेथड इज सेम चलिए मेरे ख्याल से सारे शरीफ बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा हम एक काम करते हैं भाई एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का लीजिए भैया एक्स आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गया अब आप सारे बच्चे चेक करो भाई साहब एक्स हो गया हमारे पास सपोज कर लीजिए पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस फ्रीक्वेंसी तीन दो पांच छ चार भाई साहब एन ले लीजिए आपके पास सपोज कर लीजिए आप चेक करोगे तो एन आ जाएगा ट्वेंटी अब हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है हम लोगों को dx निकालना है हम लोगों को क्या करना है भाई साहब dx निकालना है dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम बीच का एक कोई भी टर्म ले लेंगे सपोज कर लो इसको ले लिए तो भाई हमने क्या करा पांच माइनस पंद्रह दैट इज माइनस दस दस माइनस पंद्रह दैट इज माइनस पांच पंद्रह माइनस पंद्रह बीस माइनस पंद्रह और पच्चीस माइनस पंद्रह सारे बच्चे देखना भैया तुम्हें डीएक्स समझ में आ रहा है तो पर डीएक्स से काम चलेगा नहीं ना दोस्त अपना यहां पर अपने को क्या चाहिए अपने को चाहिए एफ डी एक्स अपने को एफ डी एक्स चाहिए तो एफ डी एक्स जो है भाई वो एफ और डी एक्स काम टोटल करते थ्री माइनस टेन इज माइनस थर्टी टू माइनस फाइव इज माइनस टेन फाइव इंटू जीरो इज जीरो सिक्स फाइव थर्टी फोर टेन ठीक है भाई तो तुम्हारा टोटल आ गया एफडीएक्स का थर्टी चलो अब जब मैं एक्स बार निकालता हूं फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफडीएक्स ओवर एन भाई साहब ए जब आप इसमें चेक करोगे ए आ गया पंद्रह एफडीएक्स कितना है थर्टी एन कितना है बेटा एन आ गया ट्वेंटी सारे बच्चों को समझ में आ रहा है दोस्तों एन मेरे पास कितना आ गया ट्वेंटी तो भाई थर्टी को जरा ट्वेंटी से डिवाइड करा आंसर आता है पंद्रह में ऐड करा तुम्हारा आंसर क्या आ गया सिक्सटीन पॉइंट फाइव सारे बच्चे भाई जरा इत्मीनान से मोहब्बत के साथ इसको चेक करें और मुझे बताएं कि क्या तुम लोगों को यह सारी बातें क्लियर हैं ओके okay. भाई ये हो गए हमारे शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज अब सपोज कर लो भाई हम लोग एक काम करते हैं लेट्स टेक क्लास इंटरवल्स क्लास इंटरवल्स के ऊपर जाते क्लास इंटरवल्स अगर आप चेक करोगे भाई 10 से लेकर 20 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60। भाई साहब फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करोगे तो भाई सिक्स फोर थ्री टू फाइव मान लीजिए बच्चा आप देखोगे एन आ गया ट्वेंटी अब मुझे ये सारा क्वेश्चन करना है अपना शॉर्टकट मेथड से अब भाई साहब जब मैं शॉर्टकट से इस सम को करूंगा तो सारे बच्चे पहले अब एक काम करो आपको चाहिए मिड वैल्यू क्या चाहिए भाई साहब मिड वैल्यू अच्छा मिड वैल्यू के लिए भाई 10 और 20 का टोटल करा 2 से डिवाइड करा आंसर आया 15 बीस और तीस का टोटल करा आंसर आया पच्चीस ऐसे आ गया पैंतीस फिर आ गया फोर्टी फाइव और फिर आ गया फिफ्टी फाइव बेटा अब हम लोग को सॉरी हमें यहां पर भाई साहब चाहिए होगा यस हमें निकालना है डीएम डीएम के लिए भाई मैं यहां पर क्या करूंगा मैं किसी भी एक टर्म को ए ले लूंगा मैं किसी भी एक टर्म को भाई साहब ए ले लूंगा इज दिस क्लियर एवरी वन ठीक है अब मैं किसी भी एक टर्म को यहां पर ए ले लूंगा सारे बच्चे याद रखो पंद्रह माइनस पैंतीस इज माइनस बीस पच्चीस माइनस पैंतीस इज माइनस दस थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव इज जीरो फोर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव इज टेन और यह आ गया ट्वेंटी अब मुझे चाहिए एफ को डीएम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब मुझे करना है एफ को डीएम के साथ मल्टीप्लाई जब मैं एफ को डीएम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो सारे बच्चे याद रखना सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी इज वन ट्वेंटी फोर इंटू माइनस टेन इज माइनस फोर्टी जीरो और उसके बाद ट्वेंटी और उसके बाद आ गया हंड्रेड हां जी कितना आया लो भैया माइनस फोर्टी आ गया दोस्तों अब एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एम ओवर एन भैया हम एक काम करते ए हमारे पास कितना आया था भाई थर्टी फाइव एफ डी एम कितना था और एन कितना है ट्वेंटी हाँ जी आंसर बताएं ये लो दोस्त सारे बच्चे चेक कर लो दोस्त की क्या तुम लोगों का आंसर थर्टी थ्री आ रहा है चलो पहले बताओ बेटा बेबी क्वेश्चन सेकेंड मेथड क्लियर एवरी yes. वन बहुत ही शानदार आगे बात करते हैं भाई फिर आता है दोस्त अपने पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड ये तीसरा मेथड होता है भाई मीन निकालने का इसमें आता है एक इंडिविजुअल सीरीज फिर आता है डिस्क्रीट फिर आता है कॉन्टिन्यूस अब भाई साहब इसके अंदर बिना मैं सारे बच्चों को पहले क्लैरिफाई कर देता हूं सारे बच्चे याद रखना इसके अंदर हम एक्स बार ही बोलते हैं फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा चेंज आता है फॉर्मूले में ए प्लस सिग्मा डीएक्स डैश ओवर एन इन आई फॉर्मूला क्या आता है भाई साहब ए प्लस सिग्मा डीएक्स डैश ओवर एन इन आई डीएक्स डैश क्या होता है dx डैश होता है dx ओवर आए dx डैश क्या होता है बेटा ये dx डैश है सारे बच्चे याद रखना दिस इज डैश दिस इज नॉट वन हा दिस इज डैश डैश का मतलब भैया dx ओवर आए दैट मीन द फॉर्मूला गोज लाइक दिस दैट इज x माइनस ए ओवर आए बिकॉज dx क्या होता है dx इज x माइनस ए एवरी वन नोज इट भैया आए आए क्या चीज है सर क्लास विथ एन क्या होती है नंबर ऑफ आइटम्स बेटा i क्या होता है विद एन क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स सारे बच्चे इस बात को दिमाग में रखना अच्छा जी जब मैं यही फॉर्मूले को लेकर आता हूं डिस्क्रीट में तो याद रखना यहां फॉर्मूले का बड़ा मजेदार गेम है यहां पर आपको एक्स बार लेकर आना और फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर एन इन टू आई मतलब इस फॉर्मूले में खाली एफ से मल्टीप्लाई करना है करना कुछ नहीं है भाई आपने क्या करना है भाई मल्टीप्लाई कर देना है फॉर्मूले के साथ तो आपके पास सिचुएशन क्या जाएगा बेटा एफडीएक्स डैश ओवर एन इन आई अब एन क्या है फ्रीक्वेंसी का टोटल और एफडीएक्स डैश क्या होता है एफ को डीएक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है एफ को मेरे भाई डीएक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है डीएक्स डैश क्या होता है डीएक्स को आई से डिवाइड कर दो भाई साहब dx को i से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है dx' इज दिस क्लियर एवरीवन dx को भाई साहब i से डिवाइड कर दो क्या बन जाता है dx' अब जब यही फॉर्मूला कंटिन्यू सीरीज में आता है तो सारा फॉर्मूला सेम होता है खाली देखो लर्न करने का तरीका क्या है यहां पर dx' से या dm' कर लो बस बाकी सारा फार्मूला सेम है वो x को m बना लो अच्छा अब कोई बच्चा बोलता सर मुझे दोनों के लिए सेम लर्न करना है मुझे एक्स ही रखना है रख ले यार क्या फर्क पड़ता है वहां किसी ने तेरा फॉर्मूला चेक ही नहीं करना वहां पर भाई साहब तेरा सिर्फ आंसर चेक होगा इज दिस क्लियर एवरी ये बात दिमाग में रखेंगे भाई देखो बच्चा कोई नोट तो नहीं कर रहा इसको बेटा एवरीबडी इज क्लियर चलो नोटेड है भाई चलो अब इसके ऊपर कुछ बेबी एग्जाम्पल्स कर लेते सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेबी एग्जाम्पल्स भाई इसके ऊपर तो अपनी हेडिंग बेबी एग्जाम्पल्स ऑन स्टेप डेविएशन मेथड अब आप समझो दीज आर सर्टन बेबी एग्जांपल्स ऑन स्टेप डेविएशन मेथड समझते जाइए भाई आपको छोटा सा पॉइंट समझना है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सपोज एक्स मुझे दे दिया पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज अच्छा कुछ लोगों को ये सब बोरिंग लग रहा होगा अभी चिंता मत करो बेटा अभी तुम्हारे लिए सस्पेंस और थ्रिलर पेश करता हूं थोड़ा सा वेट कर लेना भैया ठीक है थीके? थोड़ा सा मुझे एक्चुअली क्या मुझे हर बच्चे को देखना होता है कुछ बच्चे प्लस वन में पढ़कर आए होते हैं कुछ बच्चों ने प्लस वन में खेले होते हैं कंचे होता क्या था भैया प्लस वन थोड़ी मौज मस्ती वाली क्लास होती है ऐसे ऐसे निकल जाती है तो बेटा मुझे इसीलिए एक बार बिल्कुल बेस से उठाना पड़ता है ओके okay. तो भाई साहब इस केस में हम क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे dx dx हो गया हमारे पास इसकी टर्म को ले लिया a तो ये क्या आ जाएगा माइनस दस माइनस पांच जीरो पांच और दस पर मुझे चाहिए dx डैश अब dx डैश क्या है भाई कुछ नहीं इसके बीच में जो क्लास गैप है आप चेक करोगे वो कितना है बेटा फाइव आई थिंक एवरी वन नोज इट आय कितना है दोस्तों आय है फाइव ओके okay. अब इस केस में मेरे को यहां पर क्या चेक करना है बेटा सबको मुझे फाइव से डिवाइड करते जाना है माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू अब यहां पर फंडा क्या है डीएक्स डैश का जब मैं टोटल करता हूं तो बेटा वो आ जाता है जीरो और दोस्तों जब मैं यहां पर एक्स बार चेक करता हूं फॉर्मूला है ए सिग्मा डीएक्स डैश जीरो ओवर एन एन कितना है बेटा पांच तो अभी फिलहाल आंसर आपका सेम आ रहा है बिकॉज अगर आप इन टू पांच भी कर लोगे बिकॉज अगर आप चेक करोगे भाई फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा डीएक्स डैश ओवर एन इन टू आई सो तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इन टू आई भी कर लोगे ना तब भी आपको पता है ये सारा पोर्शन जीरो ही आना है थिंक एवरी वन नोज इट बेटा ये क्लियर है सारे बच्चों को इजी पॉइंट है चलिए हम एक काम करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें फॉर्मुला क्लियर हो जाए हां जी, हाँ जी हाँ जी करो ना मेरे भाई करो करो हाँ जी बोलो बच्चा हां जी नहीं कर सकते बेटा देखो बच्चा एक बच्चे ने यहां पर सवाल पूछा है कहते हैं सर हम एक काम करते हैं डीएक्स का टोटल कर लिया मान लो कोई फिगर आ गई उसी के टोटल को डिवाइड कर लिया ऐसे डीएक्स टोटल आएगा नहीं याद रखना सेम नहीं आएगा ठीक है सो ऐसा नहीं करना डीएक्स डैश का मतलब होता है इंडिविजुअल आइटम्स का डीएक्स डैश निकालने हो गया भाई नोट चलो आगे सुनो अब दोस्त अगर सपोज कर लीजिए एक्स आ गया मेरे पास दस बीस पच्चीस और तीस लेट से फ्रीक्वेंसी आ गई पांच पांच छ चार और दस लो भाई फॉर अ चेंज हमारा एन आ गया थर्टी ठीक है अब मुझे अगर यहां पर फॉर्मूला लगाना है भाई डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो क्या करूंगा पहले मैं डीएक्स निकालूंगा डीएक्स सपोज कर लो भाई मेरे पास ट्वेंटी आ गया दस माइनस बीस इज माइनस दस पंद्रह माइनस बीस इज माइनस पांच बीस माइनस बीस जीरो पच्चीस माइनस बीस पांच तीस माइनस बीस आ गया दस अब आ गया डीएक्स एक्स डैश बेटा मेरे पास यहां पर गैप कितना है आय कितना है बेटा सबके लिए अगर आप देखोगे आय आ गया फाइव तो ये आ जाएगा बच्चा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू अब मुझे क्या करना है मुझे एफ को डीएक्स डाश से मल्टीप्लाई करना है एफ को भाई मुझे डीएक्स से मल्टीप्लाई करना है सारे बच्चे चेक कर लेना एफ को मुझे डीएक्स डाश से मल्टीप्लाई करना है ओके okay. तो भाई साहब मैं यहां पर क्या करूंगा एफ को मल्टीप्लाई करा पांच माइनस दो माइनस दस पांच माइनस एक माइनस पांच छह जीरो चार एक और दस दो बीस हां जी बच्चे कह रहे बट इसका टोटल नाइन आ रहा है लो भैया तुम्हारी बात मानते हुए इसका टोटल लिख दिया नाइन अब भाई साहब हम हमारा फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर एन इन आई तो भाई साहब अगर मैं यहां पर चेक करूंगा मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आता है दैट इज मेरे पास ए कितना है बच्चे चेक कर लो भाई ए आ गया ट्वेंटी एक्स डैश कितना है भाई एन कितना है थर्टी आई कितना है हां जी बोर्ड मास का रूल पता है बेटा बोर्ड मास का रूल ट्वेंटी वन पॉइंट ये लो बच्चा बोर्ड मास्क का रूल लगा लो भाई अब आप सारे प्राणी बताएं भाई साहब ये क्लियर है चलिए हम एक काम करते हैं यार जब इतना कर ही रहे हैं बेसिक बेसिक तो हम एक उसका भी सम कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का भाई साहब क्लास इंटरवल आ गया जीरो से लेके दस दस से लेके बीस बीस से लेके तीस तीस से लेके चालीस चालीस से लेकर पचास फ्रीक्वेंसी पांच दस बीस तीस चालीस थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैंने बड़ी वैल्यूज ली है थोड़ा कैलकुलेशन हमारे को बढ़िया रहेगी ठीक है जी चलिए हम एक काम करते हैं लेट्स टेक आउट द टोटल वन जीरो फाइव लो भैया सिग्मा एन आ गया 105 सौ पांच अच्छा अब मैंने यहां पर क्या करना है भाई मिड वैल्यू निकालनी है मिड वैल्यू का क्या सीना बेटा जीरो से लेके टेन पांच दस से लेके बीस पंद्रह या आ गया पच्चीस या आ गया पैंतीस या आ गया पैंतालीस मिड वैल्यू निकाल ली मिड वैल्यू निकालने के बाद हम लोग को भाई इसको लेना है ए अब आपको चाहिए पहले डीएम पांच माइनस पच्चीस माइनस बीस पंद्रह माइनस पच्चीस माइनस दस जीरो दस और बीस डीएम डैश डीएम डैश आ गया अब आप मुझे बताइए कि आय कितना है टेन भाई साहब आय आ गया टेन चलो हमारे पास क्या गानी बेटा इसको डिवाइड करा माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू हां जी बच्चा आय इसमें से देखना है दोस्त ये देखिए ये लो बच्चा आय इसमें से देखना है ठीक है, ओके अब मैंने जब एफडीएम डैश करना है भाई तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा माइनस दस माइनस दस जीरो तीस और अस्सी चलो भैया थैंक यू सो मच बेटा फॉर हेल्पिंग मी आउट नाइनटी आ गया अब सारे बच्चे बेटा एक्स बार ले लो एक्स बार का फंडा ए प्लस सिग्मा एफडीएम डैश ओवर एन इंटू आई ए जब चेक करोगे ये ट्वेंटी फाइव आ गया एफ डी एम डैश दोस्तों मेरे पास आ गया नब्बे एन आ गया एक सौ पांच इन टू आई कितने हैं टेन लोग आपका जी इसको सॉल्व करो थर्टी थ्री पॉइंट फाइव सेवन एज पर द रिलायबल सोर्सेस भैया बच्चों के सोर्सेज रिलायबल ही हैं हाँ जी अब सारे प्यारे बच्चे बताओ क्या ये अनक्लियर है सारे बच्चों को चलो भाई साहब हमने सबसे पहले दिन एक प्रवचन करा था बेबी को क्या पसंद है बेस हमने कर लिया चलिए किसी प्राणी को बेस में डाउट तो नहीं है ना भाई ठीक है अब मैं तुम्हें लेकर आता हूं कुछ अरथमेटिक मीन के ऊपर प्यारे क्वेश्चन जिसका नाम है इसका नाम है बेटा ये जवानी है दीवानी देखो भैया पहले हम लोग थे बच्चे हम हो गए अब जवान तो बेटा तुमने इसका टॉपिक का नाम रखना है ये जवानी है दीवानी ठीक है अब हम धीरे धीरे भैया बढ़ेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे अच्छा अब तुम लोग क्या सोच के जा रहे हो पेपर में कि तुम लोगों को जो सर ने यहां सुबह सुबह सपना दिखाया ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तुम्हें और नहीं ढककर ये तो खाली मैं फॉर्मूले खाली क्लियर कर रहा था कि चल यार अगर तूने प्लस वन में खेले हैं कंचे तो कोई बात नहीं भाई चिंता मत कर मैं तुझे प्लस वन करा रहा था अभी तो सीए का काम तो अब शुरू होगा ठीक है तो सारे बच्चे याद रखना बेटा हमारा टॉपिक क्या है स्टेटमेंट प्रॉब्लम उसका नाम क्या है ये जवानी है दीवानी चलो भैया पहला क्वेश्चन नोट करें ये सारे एग्जांपल्स आपने मेरे साथ नोट करने हैं नोट आप करेंगे समझाऊंगा मैं तो सारे प्यारे बच्चे क्या करें बेटा पहला क्वेश्चन नोट करें राइट डाउन प्लीज नोट करने बेटा एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं हां जी भाई नोटेड सारे बच्चों का वेरी गुड टूमेंटसली गुड बेटा हमारे पास कहानी क्या थी कि मीन ऑफ सर्टन नंबर ऑफ आइटम्स इज फोर्टी टू ठीक है अभी हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक मीन पे फोकस कर रहे हैं बेटा अभी हमने हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक शुरू भी नहीं करना पहले हम अर्थमेटिक को पक्का करेंगे फिर हम हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक पर आएंगे ठीक है सो भाई साहब हम लोग को क्या कहानी है बोलता है मीन ऑफ सर्टन नंबर ऑफ आइटम इज फोर्टी टू फोकस करना दोस्त मतलब कुछ आइटम्स हैं उनका मीन कितना दिया हुआ है फोर्टी टू एक्स बार अच्छा मेरे पास एन कितना है मुझे नहीं पता पॉइंट समझना मैं बहुत स्लोली करा रहा हूं कहते अगर मान लो एक आइटम सिक्सटी फोर मैं और ऐड करता हूं डेटा में तो मीन कितना बन जाता है फोर्टी फोर मीन कितना बन गया फोर्टी फोर मतलब सपोज कर लो मेरे भाई सबसे पहली बात हमने सीखा है कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन क्या इस बात से सहमत है सारे सपोज कर लो सिग्मा एक्स बाय एन तो ठीक है एक्स बार मेरे पास कितना गिवन है फोर्टी टू सिग्मा एक्स बाय एन देरफोर में ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा एक्स जो है भैया वो फोर्टी टू एन के बराबर है सर जी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कुछ नहीं करा हाँ जी एवरीबडी इज क्लियर तो मैंने क्या करा मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया चलो अब प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना तो जो मेरा न्यू सिग्मा एक्स होगा उसने बोला मैंने क्या करा सिग्मा एक्स में एक सिक्सटी फोर नाम की आइटम्स को और ऐड करा मैंने सिक्सटी फोर आइटम एक और थी उसमें ऐड कर ली तो मेरा न्यू सिकबेक्स कितना बन गया बेटा फोर्टी टू एन पुराना वाला था सिक्सटी फोर उसमें और एड कर दिया ये क्लियर हो गया एकदम इश्लोली स्लोली चलेंगे समझ गया बेटा सारे अब मेरी बात समझो हमारा जो न्यू एन होगा बेटा तुम्हारे पास जितनी भी पहले पुरानी आइटम्स थी उसमें एक बढ़ जाएगा भैया जो तुम्हारा पुराना एन होगा सपोज वो एन आ गया मान लो पुराना एन एन हो गया अब वो क्या होगा एक बढ़ गया एक आइटम बढ़ गई बोलता है जो नया मीन है ना दोस्त नया मीन तुम्हारा हो गया है फोर्टी फोर तुम्हारा नया मीन कितना हो गया फोर्टी फोर कहने का तात्पर्य यह हुआ वत्स कि जो हमारा आज नया मीन है फोर्टी फोर हो गया अब आप लोग को एक बात तो पता ही है ना दोस्त कि अपना जो नया मीन होगा वो नए सिग्मा एक्स के बराबर होगा और नया एन नया एन मतलब एन प्लस वन के बराबर होगा बेटा ऐसे ही करेंगे फॉर्मूले में तो न्यू मीन कितना है वैल्यू पुट करो फोर्टी फोर इज इक्वल टू न्यू सिग्मा एक्स फोर्टी टू एन प्लस सिक्सटी फोर नया एन कितना आ गया एन प्लस वन करा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फोर्टी फोर इन एन प्लस वन ज इक्वल टू फोर्टी टू एन प्लस सिक्सटी फोर भैया ब्रैकेट खोली फोर्टी फोर एन प्लस फोर्टी फोर इज इक्वल टू फोर्टी टू एन प्लस सिक्सटी फोर थोड़ा सा N एक तरफ गए। शायद सारे बच्चों को इतना पता होगा भैया इसको इधर लाओगे तो ये एन एन आपस में माइनस हो जाएगा तो यहां रह जाएगा टू एन और ये जो फोर्टी फोर है इसको इधर लाओगे तो सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी फोर इज ट्वेंटी तो फोर एन इज इक्वल टू और यही तो पूछा था हमसे चेक करो दोस्तों यही नहीं था नंबर ऑफ आइटम्स निकालो हां जी अगर तो भैया किसी की आत्मा भटक रही है तो पूछ लो अदरवाइज नोट डाउन कर लो देखो ये सब क्वेश्चन मैं बहुत स्लोली कराऊंगा हो सकता है किसी बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए हां जी बोलो भाई बेटा ये जो एन निकला है ना एन ये फोर्टी टू वाला निकला बेटा नंबर ऑफ आइटम मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ आइटम शो अगर मुझसे वो नई वाली पूछेगा तो वो ग्यारह हो जाएंगी एक बड़ा नहीं है बट अगर आपको नंबर ऑफ आइटम पूछेगा तो बेटा किसका ओरिजिनल ओरिजिनल ऑलवेज रिमेन ओरिजिनल एप्पल का फोन कौन सा लोगे ओरिजिनल की डुप्लीकेट ओरिजिनल की चोर बाजार से कंपनी शोरूम से शाबाश यही फर्क होता है बेटा बेटा वो फॉर्मूला भैया न्यू वाला इसलिए लगाया क्योंकि डेटा न्यू वाले का गिवन है बेबी वरना मैं वहां पर एन अकेला निकाल नहीं सकता बट एन तो बच्चा मैंने ओल्ड ही माना था ना समझ में आ गया क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ना मेरे भाई वो मेरे पास कौन सी गिवन है न्यू वाले की 44 अगला देने का मतलब क्या है भाई वो नहीं देगा तो मैं एन कहां से निकालूंगा हां जी आत्मा शांत हुई है जी भाई किसी और की आत्मा भटक रही है सबका नोट हो गया है थोड़ा स्लो चलेंगे भैया इसमें ठीक है तो घबराना नहीं चलिए अगला सवाल नोट कर रहे हैं अच्छा करो करो कोई बात नहीं तो बेटा ज्यादा प्यार मत दिखा देना हमारा एक टेम में भी आ सकता है ये नहीं भूलना हम लोगों ने वैसे चांसेस कम है बट फिर भी इज इट डन कसम से उसकी कसम अच्छा मेरी कसम वाह बेटा बच्चे मेरी कसम खाने शुरू हो गए लो ओ भाई अभी सिलेबस खत्म करना है सोचो अगर फीस लेके टीचर टपक गया तो सिलेबस कौन कराएगा इमेजिन अच्छा लगेगा यहां कोई नजर नहीं आ रहा खाली पेन चल रहा है मार्कर चल रहा है ओके आइए बेटा इस क्वेश्चन का नाम है टिप टिप बरसा पानी भाई साहब इस क्वेश्चन का नाम क्या है याद रखना टिप टिप बरसा पानी आगे नहीं बोलना बस खाली हमने पानी में आग नहीं लगानी पहले आप क्वेश्चन नोट करें फिर आग मैं लगाता हूं अच्छा एक चीज और शायद बच्चों को ना पता हो रेनफॉल को हम किसमें मेजर करते हैं भाई है रेनफॉल किसमें रेनफॉल बेटा इंचेस में, में मेजर होती है समझ में आता है एक बात याद रखना ये जो दो इन्वर्टेड कॉमा लिखे इसको बोलते हैं पॉइंट फाइव इंचेस अगर तुम लोगों को नहीं पता बेटा याद रखना इसको इंचेस का सिंबल बोला जाता है और ये लिखा है वन पॉइंट फाइव क्योंकि बच्चा सोच सकता है सर ये दो इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा दिया आपने भाई साहब जो दो इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं याद रखिएगा वो इंचेस बोला जाता उसको हाँ जी आप मुझे आंसर बता रहे हैं बेटा नहीं बेटा वेट कर लीजिए प्लीज अभी बताता हूं पहले थोड़ा पानी बरसने दो फिर बताता हूं बेटा कोई पुरानी नोट कर रहा है जल्दी मेरे भाई लर्न नहीं करना सिर्फ नोट करना है दोस्त चले चलो सुनो भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है पहले मुझे एक बात बताओ तुम्हारा एक फेवरेट डे है कौन सा संडे रहेगा नहीं बिकॉज जब मैं क्लासेस लूंगा तो बेटा संडे तुम्हारा संडे रहने नहीं दूंगा चिंता मत करो जो बच्चे मेरे से प्लस टू में पढ़े उनसे भी पूछ लेना उनको मैं संडे बुला बुला के उनकी बैंड बजाता रहा तो भाई साहब याद रखेंगे तो भाई साहब संडे तुम्हारा फेवरेट डे था अच्छा मुझे एक बात बताओ संडे छोड़ दो तो हफ्ते में दिन कितने होते हैं और संडे में लाकर सात वेरी गुड लिखता क्या है कि एवरेज रेनफॉल जहां पर वर्ड आ गया एवरेज मतलब वो क्या दे रहा आपको? बोलते है आपको मीन बोलता है संडे छोड़ के मतलब संडे छोड़ के एन कितना आ गया बड़ा पॉइंट समझ में आया मैंने क्या लिखा है मैंने लैंग्वेज कैसे पकड़ी सबको समझ में आ गया एवरेज मतलब हो गया भैया मीन और संडे छोड़ के भाई और बहनों संडे छोड़ के दिन कितने हुए हफ्ते में छे तो एन कितना हो गया सिक्स अब हम लोगों ने बेटा बचपन में सीख लिया था कि सिग्मा एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन को जब हम एन से मल्टीप्लाई करते हैं हाँ जी ये क्लियर हो गया मैं एक बार आखिरी बार इसको लिख के दिखा रहा हूं बेटा आखिरी बार इसको लिख के दिखा रहा हूं आगे से दिमाग में रख लेना मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो याद कर लो भाई साहब सिग्मा एक्स किसके इक्वल होगा मीन इन एन अभी आगे से लर्न कर लेना क्योंकि काफी जगह काम आने वाला है तो भैया मीन अच्छा यहां पर सिग्मा एक्स क्या डिनोट करता है सिग्मा एक्स डिनोट करता है टोटल रेनफॉल टोटल रेनफॉल एक्सक्लूडिंग संडे मतलब संडे छोड़ दूं तो भैया टोटल बारिश कितनी हुई पॉइंट फाइव इंटू सिक्स दैट इज थ्री इंच पहले मुझे सारे प्यारे बच्चे बताओ बेटा टोटल रेनफॉल एक्सक्लूडिंग संडे थ्री ओके नाउ okay. अब उसने क्या बोला है कि सपोज कर लो भैया संडे को ना बहुत मूसलाधार वर्षा हुई मतलब बहुत अच्छी खासी बारिश हुई तो एवरेज चला गया 1.5 एवरेज कितना चला गया भाई 1.5 पॉइंट इन कितना है अब सो so भाई साहब सिग्मा एक्स लूंगा टोटल रेनफॉल टोटल रेनफॉल इंक्लूडिंग संडे भाई साहब संडे को लेकर यहां पर बारिश कितनी हुई सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव कितनी होगी बेटा पढ़ रुको उसने बोला भैया संडे को बारिश कितनी हुई अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला भैया सिर्फ संडे को बारिश कितनी हुई अब मुझे एक बात बताओ संडे छोड़ के छह दिन बारिश इतनी हुई संडे मिलाकर सात दिन बारिश इतनी हुई टोटल तो भाई साहब रेनफॉल ऑन संडे तो संडे को बारिश कितनी हुई बड़ा लॉजिक सा चीज है 10.5 पॉइंट फाइव माइनस थ्री दैट इज ये लो बच्चा मेरा आंसर आ गया चलो पहले मैं एक काम करते भैया बालकनी में बैठे हर एक प्राणी को क्लियर है यार तुम लोग की आवाज नहीं आ रही दोश जोश के साथ हाँ जी क्लियर है चलो एक काम करते बालकनी टॉपर्स इज दिस क्लियर थोड़ी सी आवाज बड़ी बॉय पीछे कुछ जवाब नहीं दे रहे भाई अच्छा चलिए पीपल स्कोरिंग नाइनटी परसेंट इन मैथ्स इज दिस क्लियर शाबाश ये आया ना जोश कुछ मजा आता सुन के ठीक है भाई तो भैया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू भैया तुम लोग को याद है फोटो दिखाई थी तुम लोग को उस दिन बच्चे नाइनटीज में लेकर आए मैथ्स में और 90s में मैथ्स में लाना पॉसिबल है याद रखना ठीक है और वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं कि जितना भी मैथ्स है तुम कर लो आगे तुम्हारे सीए में कोई काम नहीं आने वाला मैथ्स सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन में उन्होंने रखा है उनको हम गरीबों का ख्याल आया बोलते गरीब लोग दाल रोटी कहां से खाएंगे याद रखिएगा सिर्फ इसलिए रखा हुआ आगे तुम लोग को एक एका चैप्टर छोड़ दो जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस याद होगा बच्चों ओरिएंटेशन वाली क्लास याद है मेरी वो एक दो चैप्टर छोड़ के बाकी तुम लोग ये सब कुछ काम नहीं आने वाला तुम्हारा मतलब क्या तुम सीए बनने के बाद बारिश ना पोगे भैया सिलेबस का पार्ट है करना पड़ता है करी जाओ तुम मतलब सीए बन गए हो बारिश हो रही तुम खड़े हो जी एक इंच दो इंच अच्छा संडे को कितना हुआ साढ़े सात इंच वो ये सब काम से नहीं करता ओके आइए बेटा कहते हैं चार साल पहले जो नोट करते जाना साथ साथ एवरेज एज पांच मेंबर की थी बाईस साल भैया मुबारक हो बेबी आया और फैमिली की एवरेज एज आज भी सेम है लो भैया ये कैसा बेबी आया कहता है चार साल पहले जो एवरेज एज थी बेबी के आने के बाद एवरेज एज आज भी सेम है अब आपको बेबी की एज निकालनी है अब देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार है तुम पहले नोट कर लो फिर तुम्हें समझाता हूं हो गया बेटा क्वेश्चन करे सर अब इसको सल्यूशन स्टार्ट कर लें भैया चल सुनते जाओ बड़ा जरा प्यार से चार साल, चार साल पहले चार साल पहले अच्छा मुझे बताओ भैया सपोज कर लो भैया ये हमारा दोस्त है कृष्णा जी ये चार साल पहले अगर मान लो चौदह साल का था तो आज कितने साल का हुआ सारे इस बात से सहमत हो भैया अगर तुम चार साल पहले चौदह साल के थे तो आज तुम अठारह साल के हो गए हो तुम्हारी एज बढ़ गई चलो अब रुको मान लो हमारा एक दोस्त और है कार्तिक जी अच्छा वाह कृष्णा का सारथी सार्थक वाह बड़े दोस्त तो भैया सार्थक जी सार्थक जी अगर सपोज कर लो बेटा चार साल पहले चौदह साल के थे आज कितने के हो गए अठारह हमारे एक दोस्त और है मेरे भाई शिवम जी सारे भगवान तो यही बैठे हुए <laughs> इसलिए कहते हैं इंसानों में भगवान है हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है तो भैया शिवम जी मान लो सेम अब मुझे बताओ टोटल एज इन तीनों की चार सालों में कितनी बढ़ गई बारह साल वो तो चार उसके चार उसके चार उसके तो बारह साल बढ़े ना तो मेरा कहने का मतलब मान लो तीनों भाई हैं मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे कि तीनों भाई हैं तीनों की फैमिली है भाई है भैया फैमिली के तीन भाई अगर तीनों पहले चार चार साल पहले चौदह साल के थे आज तीनों अठारह साल के हुए ये थोड़ी कि एक बड़ा तो एक रह गया ऐसा तो होता नहीं है तो भैया मेरा कहने का मतलब हो गया टोटल फैमिली की एज बारह साल बढ़ गई इज दिस क्लियर मैं तुम्हें एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं भी समझाता हूं अब यहां पर कहानी क्या है बच्चों कहता यार एवरेज एज बाईस साल थी जहां पर वर्ड आएगा एवरेज मतलब वो मीन के है फैमिली में बंदे थे पांच तो भैया सिग्मा एक्स मतलब टोटल एज ऑफ फैमिली एक मिनट फोर इयर्स अगो ये बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है चार साल पहले कितनी हो गई भैया फैमिली की एज हां जी ये क्लियर है सारे बच्चों को मैंने क्या करा अब सारे बच्चों को फॉर्मूला समझ में आ गया मैंने क्या करा भैया मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई करी जा रहा हूं एक्स निकालने के लिए 22 इंटू पांच चलो फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूं बाइस इंटू पांच बट रुको अगर मुझे फैमिली की प्रेजेंट एज निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली बच्चों मुझे एक बात बताओ 110 साल थी पांच मेंबर थे पांच मेंबर थे हरे की एज चार चार साल बढ़ी हरे की एज तो पांच जिनों की एज कुल मिला के कितने साल बढ़ गई तो फैमिली की टोटल एज आज के डेट में कितनी होगी पहले मुझे बताओ ये कहानी क्लियर है आवाज सी नहीं आ रही भैया क्लियर है बेटा मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया खुद सोचो मैंने क्या बोला था तीनों भाई तीनों भाइयों की अगर एज मिलाएं टोटल बारह साल बढ़ी है तुमने एग्री करा था तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं बेटा अगर सपोज एक सौ दस साल एज फैमिली की थी चार साल पहले हर बंदे की चार चार साल बढ़ी तो पांच बंदे हैं तो चार इंटू पांच टोटल फैमिली की एज बीस साल नहीं बढ़ गई हां जी जिन्होंने बोला दोबारा इज दिस क्लियर सारे बच्चों को क्लियर हो गया रुको तो भैया फैमिली की एज हो गई आज की डेट में 130 साल रुको खुशखबरी बेबी आया लो भैया बेबी आया पर बोलता है बेबी आया बट फैमिली की एवरेज एज आज भी सेम है अच्छा बेबी आया तो भैया एक और ऐड हो गया तुम लोग को समझ में आएगा बट मान लो भैया हमारे कृष्णा भैया की शादी हो गई अगर कृष्णा भैया की शादी हो गई तो सारे बच्चे याद रखो उनके मान लो भैया एक बेबी आया तो फैमिली में बंदे ज्यादा नहीं हो गए तो एन हो गया सिक्स रहे बेटा सारे बच्चे एन कितना हो गया सिक्स अब मुद्दा क्या है कि यहां पर टोटल एज जो है आज फैमिली की वो हो गई बाईस इंटू छ दैट इज वन थर्टी टू ईयर्स कितनी होगी बेटा वन थर्टी टू ईयर्स मेरे भाई इंक्लूडिंग बेबी बेटा ऊपर वाली विदाउट बेबी है बेबी के पहले अब बेबी के बाद इंक्लूडिंग बेबी तुम्हारी जो एज है मेरे भाई सॉरी तुम्हारी नहीं तुम्हारी फैमिली की एज है वो कितनी हो गई बेटा एक सौ बत्तीस साल ये क्लियर सा है भैया बेबी को छोड़ के तुम्हारी प्रेजेंट एज थी एक सौ तीस साल बेबी को लेकर तुम्हारी प्रेजेंट एज है एक सौ बत्तीस साल बेबी कितने का हो गया मनाओ हैप्पी बर्थडे फिर भैया बेबी की एज कितनी हो गई टू ईयर्स तो एक बार दोबारा अच्छे से सारे सुनो और नोट कर लो देखो भैया सिंपल सा फंडा है चार साल पहले जो फैमिली की एज है वो बाईस साल एवरेज थी पांच लोग थे तो बेटा टोटल फैमिली की एज आज से चार साल पहले 110 साल थी एग्रीड अब मान लो हर एक बंदे की एज चार चार साल बड़ी तो भैया टोटल कितना हो गया हमारे पास 130 साल इज दिस क्लियर बड़े जो 130 साल है ये एक्सक्लूडिंग बेबी है विदाउट बेबी मैं एक काम करता हूं यहां लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग बेबी प्रेजेंट एज इज 130 थर्टी ईयर्स अब बोलता है बेबी आया तो फाइव से सिक्स हो गया एन कितना हो गया 6 बड़े भैया एक मिनट रुको बोलता है एवरेज एज आज भी सेम है मतलब एवरेज बाईस साल ही है एवरेज कितना है बाईस साल सो so, प्यारे बच्चों यहां पर टोटल एज फैमिली का इंक्लूडिंग बेबी हो गया एक सौ बत्तीस साल तो भैया बेबी कितने का दो साल का गया इज दिस क्लियर भैया नाइनटी प्लस वाले इज दिस क्लियर शाबाश हाँ जी सोचने आज हुआ ना उसके बाद ही लिखा ना बेबी वॉज बोर्न अगर आप चेक करोगे चार साल पहले की एज गि है ना उसके बाद लिखा है बेबी वॉज तो मतलब बेबी की प्रेजेंट एज ठीक है ओके भाई साहब एवरीबडी इज क्लियर शाबाश हम एक काम करते हैं प्रैक्टिस मेक्स एवरी वन परफेक्ट तो भैया एक आध क्वेश्चन ऐसा ट्राई करेंगे और रुको चिंता मत करो भाई साहब अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है बड़ा शानदार बोलो तुम लोग ट्राई करना चाहते हो कि मैं करा दूं बट इसमें एक चीज याद रखना भैया इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है उधर बेबी आया था यहां पर बाबा जी चले गए समझ गए बेटा क्वेश्चन क्या है उधर बेबी आया था यहां पर बाबा जी चले गए यहां पर एक बंदा कम हो रहा है तो यहां पर एन कम हो जाएगा याद रखना हाँ एक चीज और है बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है बहन आपने बिल्कुल सही नोटिस करा है इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा ऑब्वियसली फैमिली में सिक्स मेंबर्स होंगे थैंक यू सो मच ये हमारे टाइपिस भैया डक्कन है बड़ा फोर फिफ्थ है बच्चा फोर फिफ्थ यार ऐसी बेजती मत करो मेरे भाई ये तो फोर फिफ्थ लग रहा है मेरे बच्चा डंडा है ये ऑब्लिक अब खुद सोचो बंदे के मरने से एवरेज एज ढक्कन कम होगी कि बढ़ जाएगी फोर्टी फाइव को मतलब पैंतालीस गुना हो गई Sneha ji, I hope the question is clear if you are watching online because you raised a question. I hope the previous question was clear. जी एनी बड़ी वेतन आंसर भैया एक बच्चा बोल रहा है नब्बे साल और किसी का आंसर सिक्सटी ओके अब यहां पर बेटा दो तीन बच्चों ने एक साथ जवाब दिया है सिक्सटी और कुछ मैं कराऊं चलो बच्चे मतलब साठ पे कायम है चलो ठीक है सुनो बेटा अब मैं कराता हूं बच्चा या लिख रहे छह मेंबर्स की एज दोस्तों एन कितना हो गया मीन कितना बेटा मीन थर्टी रुको सिग्मा एक्स वन एट्टी बट भाई साहब ये जो वन एट्टी है ना ये है टोटल एज ऑफ फैमिली फाइव इयर्स अगो अच्छा मैं ना इतना ड्रामा करता हूं लिखने का आपको बेटा पेपर में इतना कुछ नहीं करना आपका रफ वर्क ऐसा रही है ठीक है अब एक काम करो दोस्त पांच साल पहले ठीक है पांच साल पहले भैया एक सौ अस्सी साल थी ओके रुको अब मुझे एक बात बताओ हर एक बंदे की एज पांच पांच साल बढ़ेगी तो भैया जो प्रेजेंट एज है फैमिली की वो हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग ओल्ड मैन भैया ओल्ड मैन इंक्लूड करके ना 210 साल हो गई आत्मा शांत यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को सबको पता लग गया 30 तीस, तीस साल कैसे ऐड करा मैंने रुको अब कहता है भैया जो अब की डेट में क्या हो गया कि जो पहले प्रेजेंट एज थी ना उसको हो गया चार बटा पांच मतलब कितना आ गया ट्वेंटी फोर लो भाई साहब फोर जरा ठीक कर देते हैं रुको एन कितना हो गया पांच भैया एक टपक गया एक कम हो गया यहां पर एवरीबडी इज क्लियर लो भाई एक टपक गया तो दोस्तों अब यहां पर हम बात करें तो टोटल एज ऑफ फैमिली एक्सक्लूडिंग ओल्ड मैन एक्सक्लूडिंग ओल्ड मैन इज सारे बच्चे चेक कर लो भैया दैट इज ट्वेंटी फोर इंटू फाइव दैट इज वन ट्वेंटी ईयर्स So, दोस्तों अब इंक्लूडिंग ओल्ड मैन 210 साल थी तो जिन्होंने 90 साल बोला था भैया वो सही है और जो 60 साठ में पहुंच रहे भैया 60 गलत है और एक्सक्लूडिंग ओल्ड मैन 120 साल थी सो so, दोस्तों याद रखना अगर हम बात करें तो एज ऑफ ओल्ड मैन कितना आ गया नब्बे साल नब्बे साल कितने लोगों ने बहुत कम लोगों ने बोला था वेरी गुड मेरा बच्चा शाबाश जितने लोगों ने बेटा नब्बे साल बोला बिल्कुल सही बाकी साठ साठ वाले सारे गलत साठ साठ साल मेरे मेरे ख्याल साठ साल वाले क्या कर रहे होंगे वो ये तीस साल ऐड नहीं कर रहे होंगे पच्चीस क्यों ऐड करा भाई छह मेंबर हैं नहीं नहीं बेटा लो इतनी जल्दी थोड़ी बाबा जी को विदा करना है अच्छा दोस्तों फाइनल कॉल ये आज का सारा काम क्लियर है बेटा अभी तो ये कुछ एक पार्ट हमने करा है क्वेश्चंस का अब बच्चों को बता दूं भाई हम लोग अभी इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे बट कल मुझे पता है एक दिन में इतना लिमिटेड कंटेंट ठीक है तुम्हारा काम क्या है बेटा इसको सिर्फ रिवाइज करना ठीक है अब हम सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा प्यारा सा ब्रेक लेंगे दस मिनट का दस मिनट के बाद भैया थोड़ा आराम कर लो माइंड को फ्रेश कर लो फिर अकाउंट्स पर आते हैं राइट चलिए ब्रेक लीजिए